नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आई, लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा ने यह साफ कर दिया था कि मोदी सरकार 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर एजेंडे में शामिल होगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 296 से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बीते चुनाव के मुकाबले कहीं बेहतर करते हुए नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 228 सीटों पर आगे बना है। हालांकि इन रुझानों से ये साफ हो गया कि भाजपा अकेले अपने दम पर 272 का जादू आंकड़ा पार कर पाने में समर्थ नहीं है। सरकार बनाने के लिए भाजपा को इस बार अपने अहम सहयोगी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर निर्भर रहना पड़ेगा। मोदी सरकार 3.0 के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह न सिर्फ अपने सहयोगियों को साथ रखे बल्कि उन्हें हमेशा साथ रखे। हालांकि भाजपा के लिए इन दोनों पार्टियों को सादे रखने के लिए कई समझौते भी करने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने यह साफ कर दिया था कि मोदी सरकार 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर एजेंडे में शामिल होगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार इसे पहले ही लागू कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र की सत्ता वापस लौटने के बाद भाजपा प्राथमिकता के साथ इसे आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी दल भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर इस निर्णय को वापस लेने का दबाव बना सकते हैं। भाजपा के एजेंडे में वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार है। एनडीए गठबंधन में इस बार जदयू और टीडीपी की भूमिका अहम है। ऐसे में वे भाजपा के इस एजेंडे पर भी रोड़ा बन सकते हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार 3.0 देश भर में जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों के अलावा दलित और मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। नीतीश अपने राज्य बिहार में इस जनगणना को करवा चुके हैं। वे लंबे समय से देश में इसे करवाने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अन्य विपक्षी दल चाहे वह कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, दोनों ही जातिगण जनगणना की मांग कर रही है। नीतीश कुमार वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले ही नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इस मांग को लेकर बिहार में अभियान भी चलाने की बात कही थी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं। ये दोनों नेता अब अपनी इन मांगों को लेकर मोदी सरकार 3.0 पर दबाव बना सकते हैं। भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में बिहार के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार में अहम मंत्रालय का दबाव भी बना सकते हैं। 2019 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा की सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार की पार्टी से आरसीपी मंत्री बने थे, जबकि राज्यसभा में उपसभापति का पद भी जेडीयू को दिया गया था। बिहार में अक्टूबर नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में जेडीयू भाजपा से प्रमुख मंत्रालय की डिमांड भी कर सकती है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 18 सांसद चुनाव जीते हैं। वे भी सरकार को समर्थन देने के बदले में कुछ अहम डिमांड कर सकते हैं। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।